बात बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार साल 2023 के आखिर तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए तेज गति से काम कर रही है। अब इसी क्रम में 16 मई 2023 यानी कि मंगलवार को 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसके लिए देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन होगा। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इससे राज्य और जिला स्तर पर युवाओं को रोजगार मेले के जरिए नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार साल 2023 के अंत तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए तेज गति के साथ काम कर रही है। अब 16 मई 2023 यानी कि मंगलवार को 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इन युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को 71,000 नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। 16 मई को देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। पीएम के निर्देशानुसार सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृत पदों पर रिक्तियों को मिशन मोड में भरकर युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। सरकार का लक्ष्य साल 2023 में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ना है। इसलिए बीते साल से रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं और नवनियुक्त कर्मियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन ट्रेडिंग मॉड्यूल की शुरुआत की गई है। देश भर से नवनियुक्त को पोस्ट ऑफिस विभाग, भारतीय रेलवे, राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेज, फायर ब्रिगेड आदि विभागों में नौकरियां दी गई हैं। नई नौकरी पाने वालों को ग्रामीण डाक सेवा, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक और टिकट लिपिक, कनिष्ठ लिपिक और कंटक कनिष्ठ खाता लिपिक पदों पर रखा गया है। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर, सहायक सेक्शन अधिकारी, अवर श्रेणी लिपिक, उपमंडलाधिकारी, कर सहायक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, इंस्पेक्टर, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, दमकल अधिकारी के पद पर नौकरी मिली है। और वहीं बड़ी संख्या में सहायक खाता अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षण अधिकारी, मंडलीय खाता निरीक्षण, लेखा परीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक कमांडेंट, प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, सहायक पंजीयक, सहायक प्रोफेसर आदि पदों पर नौकरियों पर युवाओं को रखा गया है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।